आप देख रहे हैं पीपीए 24 टीवी न्यूज। नमस्कार, पीपीए 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। ये है भावी स्मार्ट सिटी प्रयागराज की क्षतिग्रस्त सड़कें, हिचकोले खाते आगे बढ़ते वाहन। प्रयागराज शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद करीब 4.5 साल से चल रही है। प्रयास के बाद भी ज्यादातर क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं बेहतर नहीं हो सकी। नगर निगम प्रशासन सफाई व्यवस्था पर सबसे ज्यादा धनराशि खर्च करता है, पर वही पटरी से उतरी हुई है। शहर के वीआईपी इलाके टैगोर टाउन और हासिमपुर के हालात भी नहीं बदल सके। अधिकतर सड़कें खस्ता हाल है, सफाई व्यवस्था भी बदहाल है। कुंदन गेस्ट हाउस के सामने से बालसन चौराहा की तरफ जाने वाली रोड पर पग पग पर मलबे के ढेर लगे हैं। टैगोर टाउन पावर हाउस के सामने सड़क खस्ता हाल है, गड्ढे होने से लोगों के आने जाने में परेशानी होती है। नाले और नालियों की सफाई न होने व सिल्ट न निकाले जाने से मच्छरों का आतंक है। तो एंटी लार्वा पर छिड़काव हो रहा है और न ही फॉगिंग कराई गई है। आरओबी के निर्माण के कारण बख्शी बांध और हासिमपुर रोड पर आवागमन लगभग ठप है। इससे वाहन चालकों को अल्लाहपुर से बालसन की तरफ जाने वाली रोड से आना जाना पड़ता है। सुबह शाम इस रोड पर मवेशियों का झुंड निकलने के कारण जाम लगता है, जिससे लोगों को मुश्किलें झेलनी पड़ती है। वहीं इलाके के पार्षद नंदलाल का कहना है कि पावर हाउस के सामने की रोड खुदाई के कारण खराब हो गई है। आरओबी निर्माण के कारण नाले में मिट्टी चली गई है। जवाहरलाल नेहरू रोड के नाले की ठेकेदार ने सफाई ठीक से नहीं की, लोगों ने रैंप बना लिए हैं, जिससे नालियों की सफाई में परेशानी होती है। फतेहपुर बिछुआ में गोबर नाली और सीवर में बहाया जाता है। पशुपालकों के खिलाफ अधिकारी कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। खराब सड़कों के बनने के लिए प्रस्ताव दिया गया है, सफाई कर्मियों की भी कमी है।